यार सिप्लान इसके अंदर है, यूए तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने मटकी को एक्सेप्ट कर लिया है और बहुत जल्द अंडे दे देंगी यार। ये देखो ना, हमारे तीन तोते यहाँ पर बैठे हुए सामने हैं, ये चिड़िया है, और एक हमारी इसके अंदर है। अभी आवाजें भी आ रही हैं, ये देखो वो आ गई, वो चली गई अंदर वापस। ये अंडे दे रही होगी यार, हमारी ऑस्ट्रेलियन तोती अंडों पर आई हुई है। ये ऐसे मटकियों में नहीं जाती, जब ये अंडे देने वाली होती है ना फिर ये मटकियों में जाती हैं। और हमारी एक तोती इसके अंदर है, ये देखें ये उड़ गई। माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, ये तो बहुत ही खुशी की खबर हो गई हमारे लिए और आप सब के लिए, क्योंकि यार आप सब ने बोला था ना कि भाई मटकियाँ लगाएं, मटकियाँ लगाएं, आपके तोते बहुत जल्दी अंडे दे देंगे। तो मैंने आपकी बात सुनी और हमने मटकियाँ लगाई, और आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी एक तोती इसके अंदर चली गई। इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि हमारी ऑस्ट्रेलियन चिड़ियाँ बहुत जल्द अंडे दे देंगी और उनके बच्चे हमको देखने को मिलेंगे दोस्तों। और हमारी मुर्गी देखें दोस्तों, अंडों के लिए जगह ढूंढ रही है। कल तो दोस्तों इसने कबूतरों के डरबों में अंडा दे दिया था, लेकिन आज ये डरबा बंद है और ये बार बार अंदर जाने की कोशिश कर रही है। बेचारी उलझी हुई है कि मैंने अंडा तो उधर ही देना है, मैंने जगह उधर ही बनाई थी और मुझे अंडा हमेशा उधर ही देना, लेकिन नहीं यार हमने इसको अंडा यहाँ पर नहीं देने देना। वो तो कल इमरजेंसी हमने बोला सर चलो जी यार देने दो, जहाँ देती है, लेकिन मेरी जो दिली ख्वाहिश है दोस्तों कि हमारी मुर्गी उस खाने में अंडा दे जहाँ पर ये रात को रहती है, ताकि फिर आसानी से हम इसके अंडे को उठा सकें और हमारे कबूतर डिस्टर्ब ना हो। तो इसको हम साइड पे करते हैं। जाओ यार तुम, जाओ जाओ जाओ। दिया या नहीं दिया, क्या लगता है सिप्तन? मुझे लगता है दे दिया होगा। नहीं यार, एक ही अंडा है। अच्छा, एक ही है दोस्तों अंडा, दूसरा अभी तक नहीं गया। क्या पता इसका फर्स्ट टाइम हो, मतलब इसका फर्स्ट क्लच हो। फर्स्ट क्लच में दोस्तों क्या होता है कि कबूतर एक ही अंडा देता है, दो अंडे नहीं देता, शायद इसके पहला ही क्लच हो। और हमारी ये देखें दोस्तों, इन्होंने लगने वाली कबूतरी और साथ साथ में हमारा शिराजी कबूतर, ये दोनों यार परमानेंट पेयर बन गए हैं। और ये हमारी बेचारी कबूतरी अकेली होगी, ये भी शिराजी कबूतर के साथ दोस्तों लगी हुई है, लेकिन शिराजी कबूतर इसको लिफ्ट ही नहीं कराता। बस यार ये अकेली अकेली होती है, तो अब हम इसको यार थोड़ी सी टेंशन हो रही है मुझे। ये नहीं सॉरी यार, ये वाली, ये कबूतरी, ये तो माद, ये तो नर है यार, इसका नर है। ये वाली कबूतरी यार अकेली होगी है, ये लग तो चुकी है शिराजी कबूतर के साथ, लेकिन ये बेचारी दूर दूर बैठती है, शिराजी कबूतर के साथ नहीं होती, ना ही शिराजी कबूतर इसको लिफ्ट कराता है। तो अब हम इसके लिए नया मेल लेकर आते हैं ना, बेचारी अकेली है। चलो ले आओ फिर, ऐसे करते हैं यार, टाइम भी है मेरा, वैसे प्रैक्टिकल है दोस्तों आज, और आज मेरा लास्ट प्रैक्टिकल है, तो बस जल्दी से हम ये काम कर लेते हैं, उसके बाद मैं सुकून से जाऊंगा अपना पेपर देने। और ये देखें अंदर जा रही है, इसको यार अंदर नहीं लेके आना हमने, ये उधर ही अंडा देगी, ऐसे इसकी आदत हो जाएगी और यार बहुत डिस्टर्ब करेगी हमारे कबूतरों को ये। और कल की वीडियो के नीचे यार बहुत सारे भाई हमें कह रहे थे कि भाई चूज़ों को नहीं दिखाते आप, चूज़ों को रोज़ दिखाया करें, चूज़ों को रोज़ यार रोज़ दिखाएंगे इंशाल्लाह, मैं तो रोज देखता हूँ। तो आज दोस्तों मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं आपको अपने चूजे दिखा देता हूँ। हमारी मुर्गी के साथ में 30 चूजे हैं यार, और ये देखें दोस्तों ये आए हुए हैं हमारी मुर्गी और साथ में उसके चूजे। भाई नहीं आने दे रहा यार इनको, जाओ जाओ जाओ, ये सारे भाई एक साथ थोड़ी देर आने दो यार। खाना खिलाया था और फिर ये मुझसे अंदर नहीं जाते ना, ये फिर तंग करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, पेपर है मेरा। चलो अंदर दिखा देते, अंदर हाँ अंदर दिखा देते, थोड़ा नहीं नहीं आना ना यार, नहीं आना तुमने, चलो चलो हमारी मुर्गी के चूजे, माशाल्लाह लेकिन यार क्या है की कभी भी बीमारी आ सकती है, पता नहीं चल रहा दोस्तों की मौसम ही ऐसा है, हर जगह खुलने में आ रहा है की बीमारी आ रही है। और इनको हम बंद कर देते हैं, तुम्हें तो अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि हम चलते हैं मार्केट और अपनी शिराजी कबूतरी के लिए एक मेल लेकर आते हैं, ताकि हमारी शिराजी कबूतरी खुश हो जाए और हमारे घर में ब्रीडिंग करे, हमारे सेटअप पर मजीद शिराजी कबूतर हैं। तो चलें दोस्तों चलते हैं कबूतरी के लिए कबूतर लेने हैं। कौन सा चाचू लें इसमें से? ब्लैक वाला, ये वाला, ये वाला हमें तो मेल चाहिए ना, ये फीमेल है, ये ले लो ग्राब, ये सही है। अच्छा बोले अंकल सर,
अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम मेल कबूतर लेकर आ गए हैं और हमारी ये देखें, ये बैठी हुई है फीमेल और इसको हम पकड़ते हैं दोस्तों, और इन दोनों को हम अकेला छोड़ते हैं। अकेला कहाँ पर छोड़ते हैं दोस्तों? जहाँ पर हमारा डायमंड रहता है ना। मैंने सोचा है हम अपने इस नए बेयर को डायमंड के साथ छोड़ते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमारा मेल कबूतर देखकर फीमेल को मस्ती करता है या नहीं करता। चलें दोस्तों आ जाएं और हम खोलते हैं अब इनको। और हमारा ये देखें दोस्तों, डायमंड पानी के अंदर ठहरा हुआ है। गर्मी है ना दोस्तों, अपने आप को ठंडा रखने के लिए ये टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, अपने बॉडी टेम्परेचर को, ताकि मैं ठीक रहूँ। और जी हम खोलते हैं अब कबूतरों को इसके अंदर और देखते हैं दोस्तों कि क्या बनता है। ये जी हमारी फीमेल शिराजी और ये हमारा मेल, पता नहीं ये कौन सी नस्ल है, मुझे नहीं पता दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ, मुझे ज़्यादा पता नहीं चलता। और ये देखें दोस्तों अब हमारी वो देखें शिराजी फीमेल इतना कांप क्यों रही है सिप्टेन? पता नहीं, सर्दी लग रही है क्या? यार डर तो नहीं रही? हाँ घर में आ गई है ना इस वजह से। और ये भी कंफ्यूज हो रहे हैं भाई। यार सही तो है, नेस्टिंग वेस्टिंग रखी हुई है इनकी, सब ठीक है, ओके है। अभी यार मस्ती नहीं कर रहे यार, असल में अभी भी आया ना, डर रहे हैं इस वजह से। वो भी नए घर में, ये भी मस्ती कर रहा था यार ये मेल, मैंने तो फिर ले लिया, चलो जी एक्टिव है, कर लेगा इधर भी। चलो इनको अभी अकेला छोड़ते हैं, जरा अकेला छोड़ते हैं यार, थोड़े टाइम के बाद हम देखेंगे क्या आपस में ये पेयर बन चुका है या अभी देर है इसको। चलें दोस्तों थोड़ा सा वेट करते हैं। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नेस्टिंग मटेरियल ढूंढना है हमने, नेस्टिंग मटेरियल वो ऐसे घास की तरह ढूंढो, सूखा हुआ घास, ठीक है, ऐसे सूखा हुआ घास, ठीक है। तो यार आप सोच रहे होंगे कि मैं नेस्टिंग मटेरियल क्यों ढूंढने आया हूँ? हाँ तो एक दिन कैसे क्या करना है, इस तरह के और भी ढूंढो ना। तो यार हम नेस्टिंग मटेरियल इसलिए ढूंढने आए हैं क्योंकि यार लकी कबूतर जो अंडे दे रहे हैं, अभी एक अंडा दिया उन्होंने, तो उनका एक और अंडा भी रहता है, तो इसलिए हमने कहा यार उससे पहले ही हम नेस्टिंग मटेरियल जमा कर लें। और वो बच्चे ढूंढ रहे हैं तो अच्छी बात है, चल ढूंढो, मैं भी ढूंढता हूँ, आप सब ढूंढो, चलो शाबाश। हाँ चलेंगे, सब चलेंगे। ये सूखा सूखा चाहिए, ग्रीन कलर का नहीं चाहिए, जो ज़्यादा ढूंढेगा उसको इनाम मिलेगा। मैंने तो ढूंढ लिए, इनाम मेरा हुआ। चलो जी ये उठा लो, ये सही है। चलो ऊपर छत पे आओ, छत पे आओ, छत पे आओ, छत पे आओ, छत पे आओ। ओ यार काम देखो इसके, चलो एक मिनट यहाँ रख दो, यहाँ खुद उठाएंगे। इस पानी को बाहर रखते हैं और कबूतरों को बाहर आने देते हैं। अभी रखा था थोड़ी देर पहले, ये लो दोनों उठाओ, भारी है ना, तीनों हम तीनों उठाते हैं। निकालो थोड़ा थोड़ा, हाँ आप भी उठा लो सियान। हाँ वाह 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 यार, कब से नहीं उड़ाए थे सुबह से। और यार इनका हाल देखते हैं कि इनका क्या सीन है। अभी तक तो भाई नॉर्मल है और कबूतरी हमारी नेस्टिंग बॉक्स में बैठी हुई है और कबूतर साइड पे, अभी तो ये डिस्टर्ब हैं, कुछ दिनों तक ये भी सेट हो जाएंगे। और यार हमारे बजीज वो देखें, एक बजी यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पे, और मुझे दो नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब ये है या तो दो इसके अंदर है या एक इसके अंदर है, एक इसके अंदर है। तो अभी मैं चेक करता हूँ, हेलो कोई है, ये देखें एक निकली इसके अंदर से और इसके अंदर से भी एक निकली। तो इसका मतलब यार ये हुआ कि हमारी जो बजीज हैं यार वो दोनों ही नेस्टिंग पर आई हुई हैं। ये तो बहुत ही खुशी की खबर है यार, तो आपको मैं अभी बताऊंगा, वो भी खुश हो जाएगा यार। उसको नहीं पता, वो तो गया हुआ अभी यूनिवर्सिटी, तो मैं उसको बता दूंगा। तो बस यार ये थी आज की वीडियो, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।